हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं ये मिठाई कितना अच्छा लग रहा है देखने में और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़्यादा इसमें झंझट भी नहीं है और यही मिठाई अगर आप दुकान में जाएंगे खरीदने के लिए तो कितना महंगा मिलता है। आप देख सकते हैं ये मिठाई, इसका लुक देख सकते हैं। मैं एक आपको तोड़ के दिखाती हूँ, देख सकते हैं ये कितना अच्छा लग रहा है मिठाई। तो इसको तो बनाना बनता है, तो ये मिठाई हम कैसे बनाएंगे चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, कढ़ाई लेना है। अभी हमें गैस को ऑन नहीं करना है। इस गैस में मैं ये कप से एक कप दूध ले रही हूँ, ये फुल क्रीम वाला दूध है। हमने इसमें से मलाई नहीं निकाला था तो वो वाला है। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, मैं इसमें एक चम्मच घी ले रही हूँ, ये एकदम देसी घी है। तो इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। तो इस तरीके से मिलाने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, ले रही हूँ मैं एक कप दूध ले रही हूँ, तो ये छोटे वाले कप से मैं एक कप चीनी ले रही हूँ। ये पिसी हुई चीनी है, पाउडर वाला। अगर आपके पास रेडीमेड है तो वो ले लीजिए, नहीं अगर रेडीमेड नहीं तो आप इसको मिक्सी में पीस लीजिए। तो इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, मैं इसी कप से, जिस कप से मैं दूध नापी थी उसी कप से मैं मिल्क पाउडर ले रही हूँ। आपके पास अगर कप नहीं है तो आप कोई कटोरी हो, ग्लास हो, उससे भी मेजरमेंट कर सकते हैं। और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहे। तो इसके लिए इसको हमें, आपके पास मिक्सर है तो उससे कीजिए, नहीं तो चम्मच से कीजिए। अच्छे से हमें इसे मिक्स हम पहले कर लें। देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स करते हुए कितना क्रीमी देखने में लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस ऑन कर देंगे। गैस ऑन करने के बाद इसको हम मीडियम फ्लेम पे एकदम चलाते हुए हमें इसको पकाना है। हमें हाथ नहीं रोकना है, एकदम से इसको चलाते हुए रहना है ताकि इसमें जो बाकी गुठलियाँ बाकी होंगी वो भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इस तरीके से आप इसको चलाते रहिए। देख सकते हैं ये गर्म होने के बाद इसमें थोड़ा सा भी गुठलियाँ नहीं बचा है। तो इसी तरीके से अभी हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही इसको हम अच्छे से मिक्स करते हुए इसको हम पकाएंगे। आप देख सकते हैं देखने में भी कितना अच्छा, कितना क्रीमी लग रहा है। तो इसी तरीके से हमें इसे पहले पका लेना है। आप देख सकते हैं ये गाढ़ा होना शुरू हो गया क्योंकि हमने इसमें मिल्क पाउडर डाला है। अगर आप इसको छोड़ देंगे ना, नहीं मिक्स करते रहिएगा तो ये क्या होगा, कढ़ाई में ये चिपक जाता है, तले में ये पकड़ लेगा। तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ इसको चलाते रहिए, भी छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो ये अंदर से चिपक के ये ख़राब हो जाएंगे। तो इसके लिए इसको इस तरीके से हमें चलाते ही रहना है। तो आप देख सकते हैं ये साइड साइड से ये पकड़ रहा है। तो इसको आप अच्छे से इस तरीके से एकदम फास्ट में इसको चलाते रहिए, साइड साइड से थोड़ा इस तरीके से आप इसको हटाते रहिए। तो इसी तरीके से हम इसको, जब तक कि कढ़ाई ना छोड़ दे तब तक हम इसको इसी तरीके से हम चलाते रहेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स ये कढ़ाई छोड़ दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस को ऑफ कर देंगे और इसको पहले हम ठंडा होने देंगे। अब देख सकते हैं इस तरीके से जब कढ़ाई छोड़ना शुरू कर दे, कढ़ाई छोड़ने लगे तो आप इसको बंद कर दीजिए और गैस को ऑफ कर दीजिए। और इसको पहले हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। देख सकते हैं ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अब इसे हमें क्या करना है, हाथों से इसको थोड़ा सा हमें इस तरीके से मसल के इसको हमें थोड़ा सा चिकना कर देना है। तो इसको हम पहले इस तरीके से मसल के इसको हम चिकना कर लेंगे अच्छे से। देख सकते हैं ये अच्छे से चिकना हो चुका है। तो अब हमें इसे क्या करना है, इसको हमें इस तरीके से पहले इसको राउंड कर लेना है। इसको इस तरीके से करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे एक फॉल पेपर और फॉल पेपर के ऊपर हमें ये रोल को रखना है। आप देख सकते हैं इस तरीके से, और इसको हमें ऐसे फोल्ड कर देना है और थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे हमें इसको प्रेस करते रहना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से इसको हम ऐसे करेंगे और फिर से हमें इसको प्रेस करते रहना है। तो मैं इसी तरह से इसका रोल बनाऊंगी। देख सकते हैं इसको हमने बना लिया है। अब हमें क्या करना है, ये साइड से इसको हमें इस तरीके से बंद कर लेना है और ये साइड से भी हम इसको बंद कर लेंगे और इसको हमें एक घंटे के लिए फ्रिज में इसको हम रख देंगे ताकि ये जो है अच्छे से सेट हो जाए। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये 2 घंटा हो चुका है
और ये जो है ये अच्छे से सेट भी हो गया है। तो इसे अब हमें क्या करना है, इसको हम खोल देंगे। अब इस तरीके से पहले इधर से खोल दीजिए, उसके बाद हम इसको पकड़ेंगे। आप देख सकते हैं ये खुल चुका है। तो अब इसके ऊपर हमें क्या करना है, थोड़ा सजाने के लिए थोड़े से हमें सिल्वर पेपर लेना है और इसके ऊपर हमें अच्छे से ऐसे लगा लेना है, क्योंकि ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपके पास है तो आप लगाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको लगा लेंगे। आप देख सकते हैं इसका लुक कितना अच्छा आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक चाकू लेंगे, पहले हम थोड़ा सा साइड से इस तरीके से कट करके हटा देंगे। अब देख सकते हैं कितना आसानी से ये मिठाई जो है कट हो रहा है। तो इसी तरीके से हम आप पीसेस थोड़ा पतला या मोटा आप अपने हिसाब से इसको काट सकते हैं। तो इसी तरीके से पहले हम सबको काट लेंगे। फ्रेंड्स, हमने इसको काट लिया है और आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा देखने में लग रहा है। तो इसको तो एक बार बनाना बनता है, इसको एक बार आप ज़रूर बनाइए और खाइए, और मुझे भी कमेंट करके बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, ताकि मैं आपके लिए इससे भी अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आऊँ। तो तब तक के लिए बाय।